हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब डिटेक्टर पे। आज हम लेकर आए हैं हमारे इंग्लिश की क्लासेस। जो हमारा नया वैकेंसी निकला है ना दोस्तों अग्निवीर के लिए, उसमें आज हम इंग्लिश की क्लासेस को लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज की क्लास की तरफ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। करना क्वेश्चन बोल रहा है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव चूज दी वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस दैट दी मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, आपको एक गिवन वर्ड दिया है, नीचे में फॉलोइंग चार ऑप्शंस है, उन चार ऑप्शंस में से आपको बेस्ट अल्टरनेटिव चुनना है जो कि सेम मीनिंग एक्सप्रेस करेगा। जो क्वेश्चन दिया होगा उसका मीनिंग सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हमारा क्या है, डिलेट। डिलेट का क्या होगा बताइए दोस्तों, पहले ये बताइए कि आप लोग डिलेट का मतलब क्या समझते हैं। डिलेट का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज़ को जैसे और लार्जर करना या फिर और ओपन करना। जैसे बोलते हैं ना कि उसका हर आइज इज़ डिलाइटेड विथ हॉरर, डर के मारे उसका आँख ऐसे पूरा ओपन हो गया। तो डिलाइट का मतलब क्या होता है, मोर ओपन या फिर लार्जर, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, वाइडन। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, वाइडन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, और वाइडर बन जाएगा ना। डिलाइट का मतलब क्या होता है, और ओपन होना, स्प्रेड अप होना, तो वाइडर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा एब्रोगेट। एब्रोगेट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, एब्रोगेट का मतलब क्या होता है बताइए। एब्रोगेट का मीनिंग जो होता है, टू ऑफिशियली एंड अ लॉ, किसी भी लॉ को ऑफिशियली ख़त्म करना, उसका मतलब क्या होता है, एब्रोगेट। ठीक है, इसका करेक्ट मीनिंग क्या हो सकता है दोस्तों, इसका करेक्ट मीनिंग क्या हो सकता है, अबॉलिश। क्या हो सकता है दोस्तों, अबॉलिश। अबॉलिश का भी मतलब क्या होता है, टू गेट रीड ऑफ। ठीक है, या फिर ऑफिशियली किसी एक लॉ को ख़त्म करना, ये हमारा क्या कहलाता है, अबॉलिश। ऑफिशियली आप किसी भी लॉ को एंड अप करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अबॉलिश। और एब्रोगेट का हमारा सिमिलर मीनिंग क्या है इन चारों ऑल्टरनेटिव्स में, अबॉलिश। कमांड का क्या होगा दोस्तों, कमांड। कमांड का तो आपको सब लोगों को पता ही होगा कमांड का मीनिंग क्या होता है। कमांड का मतलब क्या होगा दोस्तों, कुछ भी जैसे आप कमांड देते हैं ना, गाइड देते हैं ना किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो आप क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्ट करना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है बताइए, एक्यूज्ड का मतलब, इसका मतलब होता है कि ज़रूर यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। ठीक है, समथिंग रॉन्ग हैज़ बिन डन, कुछ गलत हुआ है। तो एक्यूज्ड का हमारा क्या हो जाएगा, इंडिकेटेड। क्या हो जाएगा, इंडिकेटेड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मोटिव का मतलब क्या होगा, मोटिव। मोटिव दोस्तों जैसे आपका होता है ना, एम क्या है इस तरह का, तो मोटिव का क्या हो जाएगा हमारा, मोटिव का हो जाएगा इंटेंशन। क्या हो जाएगा, इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब क्या होता है ना कि व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्लान, आपका नेक्स्ट एम क्या है इस तरह का, तो वो क्या हो गया, मोटिव का हमारा सिमिलर मीनिंग हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट डायरेक्शंस क्या बोल रहा है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव चूज दी वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे भी दोस्तों वही करना है, एक वर्ड आपको गिवन है, उसका बेस्ट मीनिंग इन चार अल्टरनेटिव्स में से चूज़ करके आपको ये कर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है, पेरिलियस। पेरिलियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, पेरिलियस। पेरिलियस का मतलब क्या होता है, बहुत डेंजर। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत डेंजर, खतरनाक, इस तरह का। इसका सिमिलर मीनिंग, बेस्ट मीनिंग क्या हो सकता है, हैजार्डियस हो सकता है। हैजार्डियस का भी मतलब तो वही होता है ना, रिस्क या फिर किसी के हेल्थ पे या सेफ्टी पे डेंजर। तो हमारा क्या हो जाएगा, पेरिलियस का हैजार्डियस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। हर्डल का क्या होगा, हर्डल। हर्डल का क्या हो जाएगा दोस्तों, हर्डल मतलब क्या होता है हमारा, हर्डल का हमारा हो जाएगा जैसे एक वो हॉर्स जंप देखे आप लोगों, रेस में फ्रेम्स रहता है, जो सीरीज ऑफ अपराइट फ्रेम्स रहता है एक पर्सन या फिर हॉर्स उसको जंप करके ओवरकम करता है एक रेस पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हमारा हर्डल्स।
ठीक है। तो हर्डल का सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा, हर्डल इज लाइक अ ऑब्स्ट्रक्शन इन आवर पाथ, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बेस्ट मीनिंग हर्डल का क्या हो जाएगा, हर्डल का बेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑब्स्टैकल। नेक्स्ट ग्रीट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्रीट करना, ग्रीट करना, या आप लोग जैसे किसी को बोलते हैं ना हेलो, टू से हेलो टू समबडी, या फिर किसी को वेलकम करना, इसका मतलब क्या होता है, ग्रीट होता है, ठीक है। तो ग्रीट का हमारा सिमिलर मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वेलकम। नेक्स्ट एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप पब्लिकली सपोर्ट कर ले कर रहे हैं, ठीक है, पब्लिकली आप किसी भी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, एडवोकेट कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सपोर्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट टेमिरिटी, टेमिरिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, टेमिरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना एक्सट्रीमली अगर कोई कॉन्फिडेंस बिहेवियर रहता है तो हम लोग उसको समटाइम नहीं बोलते कि ये कितना रूड है, जिसको रूड मान लेते हैं, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट बिहेवियर दैट पर्सन आर लाइकली टू कंसिडर रूड इज नोन एज टर्मिरिटी। कोई भी पर्सन पे अगर मान लीजिए एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट बिहेवियर है उसका, तो दूसरे पर्सन उसको काइंड ऑफ रूडनेस मानते हैं ना, तो टर्मिरिटी का यहाँ पे हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव्स जो सेम मीनिंग देगा वो क्या हो जाएगा बताइए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, उडासिटी। उडासिटी का मतलब क्या होता है, ब्रेव बट रूड एंड शॉकिंग बिहेवियर, ब्रेव तो है पर रूड है, और कभी कभी जो नेचर बिहेवियर रहता है वो शॉकिंग रहता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। क्लास के बाद ये जो भी पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स रहते हैं ग्रुप में अवेलेबल हो जाते हैं। थैंक यू।